बैक टू माई YouTube चैनल, दिस इज़ मी ज़ैनब फ़ैसल, वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो। सो आज मुझे मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे जाना है, सही है? तो और अभी टाइम हो रहा है कोई 3:35। अभी मुझे जल्दी जल्दी से जाना है, मैं इतना लेट उठती थी, और अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है और रेडी भी होना है। देखते हैं अब क्या होता है मेरे साथ। मुझे कोई कपड़े नहीं मिल रहे और मुझे गिफ्ट भी नहीं समझ में आ रहा। मैंने लिया तो था रात को वैसे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दूंगी क्या। मुझे वैसे वो अच्छा नहीं लग रहा कि जो लिया मैंने। देखते हैं क्या मैंने देना है। खैर अभी मामा से तो परमिशन ले लो कि जाना है या मैंने या नहीं, पूछा ही नहीं मैंने किसी से। अच्छा मेरी मामा को तो मैंने रात को बता दिया था, लेकिन मैंने अपने बाबा को नहीं बताया था, क्योंकि अब वो गए हुए तो वो कहेंगे कौन छोड़ेगा घर, क्योंकि घर में जो बड़ी गाड़ी खड़ी है छोटी गाड़ी खड़ी नहीं हुई। मामा से पूछती हूँ कि मामा बाबा को कन्विंस करें प्लीज मुझे ले जाओ, तो लेट्स सी। अच्छा चलो जल्दी से मामा से पूछते हैं क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो लेट्स सी। कहाँ जाना है? मामा मेरी फ्रेंड की बर्थडे है तो वहाँ पे जाना है, ये लेक सिटी में ही है। क्यों नहीं बताया जाने? मैंने आपको तो बताया हुआ था, बाबा को नहीं बताया हुआ, तो अब वो गाड़ी लेके गए हैं। वो मुझे तो भूल जाता है, सुबह तो बताते ना कि आज जाना, वो तो चले गए। अब आप उन्हें कॉल करके कह दो यार मैंने जाने, गलत बात है, मैंने ये गलत बात है। मैंने आज निकले हुए तो तेरा तो जाना आज रह जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है कि दुआ करो कि तेरी लक चल जाए। मैं फोन करके पूछती हूँ, अगर तो वो इधर ही है तो आ जाएंगे, निकले हुए तो फिर तेरी छुट्टी। उनको जल्दी से कॉल करके पुत्र फिर छुट्टी कर। उनको जल्दी से कॉल करके पूछो, मुझे जाना ही जाना है। हाँ, हाल में जाना है। हाँ आज ही जाना। मैं छोड़ाऊंगी तुम्हें। मम्मा आपको ड्राइविंग नहीं आती? आती होती। हम दोनों पैदल चलते चलते पहुँच जाएंगे। आपको ड्राइविंग आती होती तो क्या ही बात थी, हम लोग ऐसे ही चले जाते यार। मुझे इसलिए मैंने मुझे बोला कि मुझे ड्राइविंग सिखा दो। एक ब्लॉग ये भी आएगा कि ज़ैनब ने सीखी ड्राइविंग। जल्दी से कॉल करें पापा को। कितने बजे टाइम तो बताओ ताकि कहूँ कि उस टाइम पे अभी बुला लूँ तो बाद में पता चले कि ज़ैनब से बन दो। नहीं नहीं मैंने जाना है पूरे 5 o'clock है सर, पीछे टाइम देखी था। पता है जितने बजे जाना पापा ने भाई खड़े होना है, तो एक मिनट भी लेट हुई ना तो फिर। हाँ तो मामा आपको पता है मैं टाइम की बहुत ही ज्यादा मतलब केयर करते हैं कि पापा भाई और ज़ैनब तैयार है। ओके डन। अच्छा तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, है मेरी फुल लुक, अभी जूता पहनना रेडी है। जो मामा के साथ मेरी शर्ट थी फाइनली वो मैं हार चुकी हूँ। 5 बज गए और ज़ैनब अभी तैयार नहीं और पापा बाहर आ गए हैं। अरे यार कहा था 15 मिनट पहले बुला लेना पापा, 5 बजे अभी पूरे आए हैं। जूते पहनने देख लो अभी 15 मिनट लग जाएंगे। मामा यार बाहर फैंस आ गए थे इसलिए लेट हो गई थी, बहाना भी कर रहा था 15 मिनट लेट बुलवाना। अब पापा मुझे बोल रहे हैं कि जल्दी चलो चलो बस मैं हो चुकी हूँ, मुझे जूता चाहिए ठीक है, और परफ्यूम थोड़ा सा लगाऊंगी और गिफ्ट 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 पैसे दूंगी मैं, इसमें पैसे ईद जब इमरजेंसी कोई कार्ड ना मिल रहा हो तो फिर ईद मुबारक ही चलता है। अब मैं इसे काट के इमरजेंसी बताया क्यों, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख दो खुद। चलो सही है मैं पेपर कट करके हैप्पी बर्थडे ऊपर लिखूंगी, फिर इसमें पैसे डालूंगी और दे दूंगी। बाय मॉम मैं जा रही हूँ। बाय ध्यान से जल्दी आ जाना। अच्छा देखो मैंने ये क्या किया, इसके साथ मैंने इसको ईद मुबारक कट करके लगे ना, हम कार्ड जाया क्यों करें, वेस्ट क्यों करें, जो भी चीज मिले उसको यूज करो रिसाइकल बिन जो भी। चलो लेट्स गो। अच्छा तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे, ये है उसकी फ्रेंड। हेलो क्या नाम है? बनीन और लाइबा और रामीन अरुण, आप इसको तो जानते हो इसकी बेस्ट फ्रेंड, वैसे मैं भी बेस्ट फ्रेंड हूँ थोड़ी थोड़ी सी। हाँ, और ये एक फ्रेंड आई है, क्या नाम है तुम्हारा? मैं नाहिल मैं हूँ। ओके बर्थडे का लिए है। अच्छा तो अब हम लोगों ने केक भी खाना, मुझे इतनी भूख लग गई है, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कोई करके आया ब्रेकफास्ट? हाँ, मैं करके आई। देख लो मुझे भूख इतनी लग रही है, मेरी मामा केक बस जाना, मैं खाना खाने आई हूँ यहाँ पे अभी। पता है स्टार्टिंग मुझे लगा था तुम्हारी आईज बिल्कुल रियल है, बट एक्चुअली इट्स फेक, मतलब है ना, देखा सब लोग यही सोच रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अरुष, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरुष मेरा केक अब सबसे पहले अपनी मामा को खिला रही है मेरा केक। अच्छा वो अपनी बहन को खिला दी, 200 मेरा स्वैग मेरा स्टाइल है, किलर मेरी स्माइल है, गाड़ी 50 लाख 300 माइल। तो अब हम लोग जा रहे हैं मॉल। थैंक यू फॉर कमिंग, वेलकम। चलो मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय, तुम्हारे साथ बाय बाय।
बाय बाय। आपको तो मेरे दोस्तों को देख ही लिया है, ओके घर जाके दिखाती हूँ। अच्छा तो मैं आ चुकी थी घर, अब मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया है, सही है। मैं बहुत ज्यादा अभी भी थक गई, नींद मेरी आंखों में से भर भर के आई है। मैं सोची कि मैं आज ही मतलब अपना 100K की सेलिब्रेशन भी कर लूँ, सही है। तो अभी मैं सबसे क्वेश्चन करूंगी कि जो मेरा सिल्वर बटन है आगे मैं कितना जा सकती हूँ, और सबसे पूछूंगी कि क्योंकि मैं काफी कम टाइम में मतलब काफी मतलब हद तक पहुंच गई, अब तो खैर 150 पता नहीं कितना हो गया, मैं भूल भी गई हूँ। अब मैं सबसे पूछूंगी कि आगे मेरी मतलब क्या होगा और आगे मुझे मतलब गोल्डन बटन मिलेगा या नहीं। लोग जल्दी जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ऐसे ही प्यार करते रहो ताकि मुझे जल्द से जल्द गोल्डन बटन मिले, सही है। अभी मैं सबके पास जाती हूँ बारी बारी और सबसे क्वेश्चन करती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरे सिल्वर बटन के आने पे। अच्छा चलो सबसे पहले हम लोग जाते हैं आप ही के पास और आप ही से पूछते हैं कि आप ही बताओ मेरे सिल्वर बटन आ गया, कुछ मुझे एडवाइस देना चाहोगे या कुछ भी। सिल्वर बटन ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो तभी आपके पास आता है, लोग आपको पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि मानो बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि मानो ने अपनी 4 महीनों से बहुत सीखा है। सही बात है, सर पे 4 सीनियर्स थे तो मानो उनमें आके मानो हम 4 से ज्यादा ट्रेंड हो गई है। वही ना, देखो पहले मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता था, नॉर्मल पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर दी, बहनों के पास आ गई, उनके ब्लॉग में आ गया, अब तो खैर खुद का कंटेंट है। मानो जाती है बर्थडे पे जाके बनाती है, मानो जाती है बाहर में जा रही हूँ मैं ब्लॉग कर रही हूँ, पहले मैं कहती थी मानो शूट करना, मानो आप पहले मुझे एग्जैक्टली ये पकड़ना भी नहीं आता था, बट माय गॉड लेकिन जब अपनी बारी आती है फिर इंसान को कैमरा भी पकड़। आप ये कहना चाह रही है कि जब मेरी ब्लॉग की बारी आती है तो तैयार होकर बैठी नहीं होती है। हाँ हाँ बड़ी चलाक ब्रो, वेरी चलाक, बट इट्स वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मेरी सबसे छोटी बहन के पास सिल्वर बटन आ गया। हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, केक शेक खिलाओ, खाना शाना खिलाओ, कोई ट्रीट दो, कोई पैसे आए कोई हमें भी दो। राबिया को देखो दूर से मुझे कह रही है प्लेट रख के आओ किचन में क्योंकि तुम उसकी छोटी बहन। तो राबिया से पूछते हैं, राबिया आपका क्या कहना है? सिल्वर बटन तो सिल्वर बटन आया, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि छोटी कली बड़ी हो गई है। मुझे लगा नहीं, 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 इसी वजह से तो उसने नया चश्मा पहना। हाँ शोकिया मारी जा रही है, कब से कह रही है तो लोगों ने हाँ। पता मैंने बिल्कुल भी नहीं है मेरी है मेरी बात सुनो, उसकी वीक है, उसने अच्छी बात है पहनी है, इसने नहीं पहनी तो इसका नंबर बहुत ज्यादा होगा। यार ब्लॉग के लिए नहीं पहनी वो, समझ रहे हो आप थोड़ा फैशन। अच्छा कोई लाइन बता दो कोई भी मेरे लिए, आप कुछ कहना चाहती हो मेरे ब्लॉग के लिए? ये क्या होता है पता नहीं, मैं किस नहीं देती किसी को, आप ही आप कोई मेरे लिए लाइन। अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, ऐसे ये देखो जादू और फूलती रहो इंशाल्लाह। ये देखो जादू। मैंने क्या कहा? क्या जादू? मैंने बता रहा जैनब को क्या कुछ भी पागल, तुम ऐसे ही फलती और फूलती रहो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे समझ आ गई है बट जो अपने बर्तन खुद उठाओ, चलो मैंने वो सेलिब्रेट करना है, मेरी पार्टी में इनवाइटेड हो। डायमंड बटन लेके आऊंगी, तो कोई गोल्डन बटन लेके थप्पड़ मारने, मैं तो YT2 की पार्टी पे आई थी ना गोल्डन। यार तुम लोग लड़ती हो, तुम अपने व्लॉग में भी लड़ती हो मानो। आप ही यार मेरी पार्टी में आप भी इनवाइटेड हो, लेट्स गो, मैं बस बाहर सेटअप करके फिर यू आर इनवाइटेड। मेरे लिए प्यारे से कपड़े निकाल के लाओ फिर आओ। चलो मैं अपना ना प्ले बटन अपना लेकर जा। आप ही मेरा प्ले बटन खोलो, जल्दी जल्दी इसे खोलो, बड़ा मजा आने वाला है। मेरा प्ले बटन, मेरा क्यूटी प्ले बटन, खोलो खोलो ओपन इट। अच्छा तो हिरापी भी आ गई, उससे भी बोलते हैं कि मेरा सिल्वर बटन आ गया, तो कुछ कहना चाहती हूँ मेरे सिल्वर बटन के बारे में। असली का रियल यार असली का सिल्वर है, ब्रांड न्यू चेक। अब हम इसको रखेंगे ओपन, खोलो ओपन इट ओपन इट ओपन इट। चलो जल्दी से ये ऐसे 1 2 हैप्पी बर्थडे रबिया, तो सिल्वर बटन का उद्घाटन करें। हैप्पी बर्थडे टू माय ज़ैनब फैसल यूट्यूब चैनल। ओपन ओपन ओपन, रबिया ने साथ ही ग्लासेस लगा ली हैं जैसे रबिया ना प्यारी लग रही है, तराश के देखना है। मैं पहले भी ऐसे करके ही खोला था, खुल जाएगा ऐसे, खुले कैसे खोला पता चले यार, डिजाइन है पापा, चले छोटे डूडू का सिल्वर बटन आ रहा है। हमारे घर का गाइस सिर्फ डूडू ही रह गया चैनल वाला, सही बात है। आप ये कैसे खोल रही हो, आपको उतारना? अच्छा एक मिनट, वाओ ये है, सो प्रिटी, मैं वहां लगाऊंगी इसे वहां पे। जैनब ये
तुम्हारे खाने के लिए उन्होंने दिया क्या? खाने के लिए होता है? लटका दो चॉकलेट, खा मत जाना पागल, जहर होता है। एक अपना इधर लगा दो, एक मेरा इधर लगा दो। परफेक्ट परफेक्ट। हमारे पास ना गोल्डन बटर नहीं है तो आप सिल्वर लेके ये खा ये साफ करने बस ये मेरा है, फिर रखो इधर चश्मा। हाँ हमारी भी ग्लास है, हमारी भी ग्लास। चलो यहाँ मेरा और आबिया का लगेगा। मानो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको ऐसे ऐसे इज्जत से हमेशा नवाजे, अल्लाह आपको रंग बदल बदल के दे। वैसे तो हम कहते हैं किसी का रंग ना बदले मगर इसका रंग आपको ऐसे दे। हाँ रिकॉग्नाइज योर टीम। मैंने फिर कैसे लगाने, यहाँ सिल्वर, यहाँ गोल्डन, यहाँ डायमंड। बात क्यों नहीं कुछ मिलता, हक मिलता है ना? गोल्डन का 50 पे मिलता है, 10 पे डायमंड मिलता है। तो डायमंड के बाद क्या मिलता है? बस कुछ भी। डायमंड के बाद 50 जब मिलियन होते हैं ना सब्सक्राइबर, एक उसके हुए हैं यूट्यूबर, आधा अमेरिका आपके नाम करते हैं। नहीं तो फिर डायमंड से ही कुछ एक चीज देते हैं, वो पता नहीं फिर वो कुछ ओरिजिनल डायमंड देते हैं मतलब। अरे नहीं नहीं फिर कुछ और देते हैं, बुगाटी देते हैं। अरे नहीं कुछ देते हैं ऐसे, आइडिया नहीं है मुझे ब्रो। कोई गोल्डन किस पे देते हैं? गोल्डन 1 मिलियन पे देते हैं। वो भी 10 मिलियन पे, गोल्डन कब आएगा आपका? इसका भी बड़ा बट गोल्डन का, और इसका भी बड़ा बट गोल्डन का। 800K+ हो गए ऑलमोस्ट। वाओ ये इसका भी आ गया, 3 गोल्डन बटन आने वाले हैं और एक डायमंड, इंशाल्लाह डायमंड आने वाला है। मेरी सिल्वर बटन के साथ है, कूल सी पिक्चर लेनी पड़ेगी आपको। खजब माइंड देखो तुम बरसात अपने बर्फ रख रहा और कूल सी पिक्चर लेना। डोंट इन्वॉल्व मी इन योर कूल पिक्चर्स, यू नो आई एम नॉट दैट। मैं आपको कर भी नहीं रही है, मेरा सिल्वर बटन है तो मैं सिखाऊंगी, लेकिन मेहनत मेरी बहनों की भी है। इसको इसको केक की जरूरत नहीं क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा केक है। जी मामा, मैंने केक खुद एक बहुत बड़ा केक है ना, मैंने स्पेशल केक मंगवा के मम्मा ने यार सारा कोई केक काटना मैं तक वैसे ही इतना फल फूल रही है आपको केक की लाइन। चुप नहीं करना आप ही, सबको ना थोड़ा थोड़ा खिला दो इतना। ओ गाइस अभी मैं बर्थडे से भी केक खा के आई, गलती हो गई थी। तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, मेरी दी और डेथ हो। चलो ओके हैप्पी हो गए। एक एक जल्दी से लाइन बोल दो मेरे बारे में। ज़ैनब दफा हो जो यार। नहीं 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 ये कार्ड है। अच्छा ज़ैनब, अल्लाह तुम्हें और खुशियाँ दे, अल्लाह तुम्हें ऐसे सिल्वर डायमंड और जितने भी बटन थे सारे रियल वाले दे, रियल डायमंड लगाओ इंशाल्लाह। और आप ही आपका, मैं तो यही कहना चाहूंगी मानो कि व्लॉग बनाया करो, टेंशन ना लिया करो, ठीक है? मैं तो नहीं लेती टेंशन। ये वो हजरत है जो कह रही है मैं गुस्सा नहीं करती, मैं गुस्सा नहीं करती गाइस, मैं गुस्सा नहीं करती, मैं गुस्सा करूंगी। नहीं यार गुस्सा भी एक बुरी चीज होती है, खत्म करनी पड़ेगी बस। हाँ यार जैसे न्यू ईयर होता है ना वैसे मेरा सिल्वर बटन है। अब मैं एक हैबिट अपनी चूज करना चाहूंगी, चलो कर लेती हूँ। मैं गुस्सा नहीं करूंगी, रोऊंगी। मेरी कॉल आ रही है, मैं कॉल रिसीव कर लूं तो बाद में।